असर्टिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलना। इसे ध्यान दीजिए, असर्टिव सेंटेंस चेंज इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें पहला नियम है, यदि वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में होगा तो हम उसे इंट्रोगेटिव निगेटिव में बदल देते हैं। सरलतम तरीके से समझिए, इस सहायक क्रिया को पहले कर देंगे, कर्ता के बाद नॉट लगा देंगे। सेंटेंस है, राम वाज ए गुड बॉय, तो बना वाज राम नॉट ए गुड बॉय। यदि वाक्य दूसरा नियम है, यदि वाक्य इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस में होगा, केवल नेगेटिव सेंटेंस में होगा सॉरी, तो इसे केवल इंट्रोगेटिव में बदला जाएगा, अर्थात नॉट नहीं लगेगा। यू कैन नॉट विन द रेस, तो कैन यू विन द रेस। आप एक बात समझ लीजिए फिर से, असर्टिव सेंटेंस में अफर्मेटिव निगेटिव दो होते हैं। अफर्मेटिव में अगर नॉट नहीं सॉरी नॉट नहीं लगा तो नॉट लगा दिया जाएगा, नॉट लगा है तो नॉट को हटा दिया जाएगा। तीसरा नियम इसमें है, यदि वाक्य एवरीबॉडी एवरीवन एनीवन से प्रारंभ है तो उसे हु से प्रारंभ करते हैं। चूंकि यहाँ नॉट नहीं लगा है इसलिए यहाँ नॉट लगा दिया जाएगा। एवरीबॉडी लव्स हिज मदरलैंड, तो बनेगा हु डज नॉट लव हिज मदरलैंड। चौथा नियम इसमें है, यदि वाक्य नोबडी नो वन नन, ध्यान दीजिए, यदि वाक्य नोबडी नो वन नन से प्रारंभ है तो हम इसके स्थान पे हु लिख देते हैं और शेष वाक्य उतार सकते हैं। जैसे हु वुड लाइक टू बी पुअर, तो बनेगा सॉरी नो बडी वुड लाइक टू बी पुअर, तो बनेगा हु वुड नॉट लाइक टू बी पुअर। फिर से ध्यान दीजिए आगे। अगला नियम है, यदि वाक्य इट डज नॉट मैटर अथवा इट डज नॉट मच मैटर से प्रारंभ है, ध्यान दीजिए, यदि वाक्य इट डज नॉट मैटर अथवा इट डज नॉट मच मैटर से प्रारंभ है तो इसके स्थान पर व्हाट लिखा जाता है। जैसे वाक्य है लिखा है, देखिए यहाँ व्हाट से बनाया जाता है, जैसे लिखा है इट डज नॉट मैटर इफ यू कैन नॉट गो देयर। ध्यान दीजिए फिर से, इट डज नॉट मैटर इफ यू कैन नॉट गो देयर। तो इट डज नॉट मैटर के स्थान पे लिखा गया व्हाट, शेष सेंटेंस उतार दीजिए इफ यू कैन नॉट गो देयर क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है, यदि वाक्य इट इज एक्सटर्नली फुलिश टू से प्रारंभ है तो इसे वाई से बनाया जाता है। जैसे यहाँ वाक्य है, इट इज एक्सटर्नली फुलिश टू वेस्ट योर टाइम इन दिस वे। तो हमने देखो यहाँ इट इज एक्सटर्नली फुलिश टू के स्थान पर वाई लिखा, शेष वाक्य उतार दिया तो बना वाई वेस्ट योर टाइम इन दिस वे। अगला एक नियम और है, अब रोके मुझे। यदि उपरोक्त नियम से इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना संभव ना हो तो सामान्य रूप में हेल्पिंग वर्ब को पहले करके, जैसे मान लीजिए वाक्य है कि ही प्रूव्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यहाँ प्रूव्ड के कारण यानी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है तो आप लिख सकते हैं डिड ही प्रूव हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा। धन्यवाद।